नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पहली खबर संभल से है। संभल में SC ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलितों को लूटा है। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस विधायक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं तिरंगा विरोधियों को देश से निकालने की वकालत भी की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में मामूली बात पर छात्र को टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। SC ST आयोग की सदस्य ने मांग करते हुए कहा कि आजादी की वर्षगांठ पर पूरा कश्मीर तिरंगामय हो गया। वहीं उन्होंने दलितों के हित को BJP में सुरक्षित बताया है। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता दलितों के प्रति बहुत हीन रही है। कांग्रेस ने केवल दलितों को लूटने का काम किया है, उसका जीता जाता उदाहरण आप देख ही रहे हैं। यानी कि जरा सी बात के अंदर उस बच्चे को उस टीचर ने इतना मारा कि घर जाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे सीधा सीधा ज्ञात होता है कि ये सरकार की मिलीभगत है। सरकार केवल दलितों को लूटने का काम कर रही है, दलितों को अपना वोट बैंक समझती है। दलितों के साथ कांग्रेस की सरकार न कल थी, न आज है और ना होगी। अगली खबर श्रावस्ती से। श्रावस्ती में राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य सम्मान अफरोज खान की बेटी और NGT कोर्ट नई दिल्ली के न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद के पोती शिजा खान लोधी की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। शिजा खान महज 5 साल की थी और बचपन से ही कैंसर से पीड़ित थी। शिजा खान लोधी के निधन की खबर मिलते ही उनके घर में मातम छा गया। साथ ही क्षेत्र के लोगों ने शिजा की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और परिवार वालों का ढांढस बढ़ाया। श्रावस्ती में SSP केशव चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन में महिला पुलिसकर्मियों और बच्चों ने तिरंगा झंडा हाथों में लेकर मैराथन दौड़ लगाई। SSP केशव गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। पुलिस परिवारों के बच्चों ने पुलिस लाइन के मेन रोड से शुरू होकर RTI से RTO कार्यालय के पास से होते हुए दौड़ लगाई। वहीं मलकापुर से 4 किलोमीटर कलेक्ट्रेट के सामने से रिजर्व पुलिस लाइन में दौड़ का समापन किया गया। इस मैराथन में विजेता रहे पुलिसकर्मी और बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। खबर श्रावस्ती से है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में हाथ साफ करने से भी बाज नहीं आए। दरअसल यूपी के श्रावस्ती के मझौवा शुमाल आंगनबाड़ी केंद्र में चोरों ने दरवाजा तोड़कर हजारों का सामान लूटा और फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। अगली खबर गोंडा से है। गोंडा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ये मैराथन गांधी पार्क से LBS चौराहा अंबेडकर चौराहा होते हुए पुलिस लाइन गोंडा तक लगाई गई। ये मैराथन दौड़ मिनी मैराथन यानी कि 3.5 किलोमीटर की दौड़ थी, जिसका शुभारंभ महिला पुलिसकर्मी शिल्पा वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ में विजेताओं को सम्मानित भी किया गया, साथ ही इसका समापन राष्ट्रगान गाकर किया गया। अगली खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ के रहने वाले एक शख्स ने अपने परिवार पर आरोप लगाया है कि उसके परिवार वालों ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित युवक आशु का कहना है कि उसके भाई आए दिन उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। पीड़ित ने बताया है कि वो 5 भाई हैं, सभी का मकान अलग अलग है और भाई उसके मकान पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। कई बार थाने में शिकायत दर्ज कराई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मां ने अपने 3 मासूम बच्चों को जहर दे दिया, जिसके बाद तीनों बच्चों की मौत हो गई। ये पूरा मामला गाजीपुर के सुहवल थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। दरअसल महिला का अपने पति के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद महिला ने बच्चों को चाय में सल्फास मिलाकर पिला दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। थाना क्षेत्र सुहवल के ढड़नी एरिया में आज एक महिला द्वारा अपने 3 बच्चों को जहर देने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी।
जो दो बच्चे, उनमें दो लड़के और एक लड़की है, तीनों की जो है वो मृत्यु हो गई है। घर में पति के साथ विवाद को लेके ये महिला ने इन बच्चों को जहर खिलाने के बारे में पता चला है और इसमें अग्रिम जो है वो जांच की जा रही है। फिलहाल डेड बॉडीज को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। इस महिला की, जिसका नाम सुनीता यादव है, उम्र 35 वर्ष है लगभग, उसकी अरेस्टिंग कर दी गई है। 302 मर्डर के केस जो है वो रजिस्टर इसमें किया जा रहा है। उचित कार्रवाई करके इस महिला को जो है वो जेल भेजा जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर में पुलिस ने नकली काली मिर्च बनाने के मामले में एक मकान और दुकान में छापेमारी की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मकान के अंदर नकली काली मिर्च बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 844 किलो नकली काली मिर्च और 25 क्विंटल हरी मटर और काली मिर्च बनाने के केमिकल बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। खबर मथुरा से है। देश भर में बड़े ही जोर शोर से श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है। इस बार 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। मथुरा में देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं। इस मथुरावासियों के लिए इस त्यौहार का काफ़ी महत्व होता है और कार्यक्रम में कान्हा जी के अलग अलग रूपों की झांकियां भी निकाली जाती हैं। इस बार ये कार्यक्रम इसलिए खास होने वाला है क्योंकि कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। खबर हाथरस से है, जहां ई रिक्शा पलटने से 5 साल के स्कूली बच्चे की मौत हो गई। दरअसल ई रिक्शा चालक, जिसका नाम बलबंत सिंह है, वो स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का काम करता है। इसी स्कूल में उसके भी दोनों बच्चे पढ़ते हैं। बाकी बच्चों के साथ वो अपने बच्चों को भी आज सुबह ई रिक्शा में बैठाकर स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ा और पलट गई, जिसमें उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य बच्चे भी घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक बच्चों के परिजनों का हालचाल जाना और अब घटना की पूरी जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।